तो ये लॉक करने के साथ ही ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटीरियर फर्नीचर आइडिया। तो आज की इस वीडियो में मूवेबल डाइनिंग टेबल बना के दिखाएंगे, जो कि स्मॉल डाइनिंग टेबल के हिसाब से हमने बनाया है। तो सबसे पहले जो हमने नीचे का स्ट्रक्चर जोड़ा है फेविकॉल लगाकर, तो उसके बाद देख सकते हो जो ऊपर का जो हमने टॉप जोड़ा है पूरा फेविकॉल वगैरह लगाकर, कील वगैरह मारकर। तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है डाइनिंग टेबल का, ये पूरा हमने 90 डिग्री में गुनिया के अंदर फिट किया है। और ऊपर का जो टॉप देख सकते हो आप, जो डाइनिंग टेबल का कॉर्नर रहता है चारों कॉर्नर, तो हमने 4x4 का ये गुनिया के अंदर मार्किंग लगाकर पूरा कटर मशीन से कट कर ले लिया है। अगर हम इस डाइनिंग टेबल का हाइट का बात करेंगे, तो ये डाइनिंग टेबल का हाइट रखा है हमने तकरीबन 2 फीट, और ये डाइनिंग टेबल का टॉप का चौड़ाई रखा है हमने 3 फीट, और इसका लंबाई रखा है हमने 4 फीट। तो इस डाइनिंग टेबल को हमने पूरा 36 mm में बनाया है, यानी कि 1.5 इंची। तो इस तरीके से पूरा ये हमने कटर मशीन से राउंडिंग कट कर ले लिया है। तो देख सकते हो इस तरीके से हमने ये पूरा 4x4 का पूरा राउंडिंग कट कर ले लिया है कॉर्नर डाइनिंग टेबल का, जो कि चारों हिस्से है। और इस डाइनिंग टेबल को हमने नीचे से व्हील लगाया है, जो कि फिक्स सिस्टम में लगाया हमने, जो कि लॉक सिस्टम है। और इस डाइनिंग टेबल को हमने इस तरीके से बनाया है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप किचन में यूज़ कर सकते हो, बेडरूम में यूज़ कर सकते हो, लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फर्श वगैरह पोछना है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको नीचे व्हील भी लगाया है, जो कि लॉक सिस्टम है, जो कि डाइनिंग टेबल इधर उधर हिलेगा भी नहीं। और इसके नीचे हमने 4 चेयर दिए है 18x18 के स्क्वायर के अंदर, और उस चेयर के अंदर आपको स्टोरेज भी मिल जाएगा वापरने के लिए। तो इस तरीके के हमने 4 चेयर बनाए हैं नीचे डाइनिंग टेबल के, और इसका हाइट भी रखा है हमने तकरीबन 18 से 19 इंच, और इसको 16 इंच या 15 इंच के ऊपर हमने ऊपर का टॉप दिया है चेयर का डाइनिंग टेबल के, और उसके ऊपर 4 से 5 इंच का लूज कुशन आ जाएगा डाइनिंग टेबल के चेयर के। तो इस तरीके के हमने 4 चेयर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके के 4 चेयर बनाए हमने डाइनिंग टेबल के। साइड का देख सकते हो आप, तो इस साइड का हमने ये लॉक किया है, तो ये लॉक करने के साथ ही ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। तो ये देख सकते हो, ये डाइनिंग टेबल को आप किचन में से लिविंग रूम में भी ला सकते हो। नीचे हमने व्हील दिया है और नीचे लॉक सिस्टम भी दिया है, जो कि हिलेगा नहीं। तो ये हमारा लगभग डाइनिंग टेबल बनकर फाइनल हो चुका है, जो कि हमने इसका हाइट रखा है तकरीबन 2 फीट, और इसका चौड़ाई रखा है हमने टॉप का 3 फीट, और इसका लंबाई रखा है हमने 4 फीट। तो इसके ऊपर हमने पूरा ग्लॉसी माइका लगाया है, जो कि मार्बल फिनिश है। तो नीचे का चेयर देख सकते हो, हमने 18x18 इंच का चेयर बनाया है, और अंदर स्टोरेज भी दिया है हमने, और ऊपर इसके चेयर आ जाएगा। और ये नीचे के चेयर को भी हमने व्हील लगाया है, जो कि लॉक सिस्टम है, जो कि हिलेगा भी नहीं। तो इस तरीके का हमने पूरा डाइनिंग टेबल बनाया है, और डाइनिंग टेबल के नीचे भी हमने पूरा व्हील लगाया है, और जो 4 चेयर है उसको भी हमने पूरा व्हील लगाया है नीचे। और ये धार वगैरह देख सकते हो, पूरा नीचे का स्ट्रक्चर पूरा 1.5 इंची धार, और ऊपर का टॉप भी पूरा 1.5 इंची धार किया है हमने, जो कि पूरा लैमिनेट फिनिश है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।